रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। एज पर डी रिपोर्ट सबमिटेड बाय SBI टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नियरली 6,000 रुपीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करे गए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इनमें कुछ कंपनीज के नाम हैं, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, वेदांता ग्रुप। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2017 में इन अ वे ऑफ फाइनेंस बिल एंड 2018 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है इन डिनोमिनेशन ऑफ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। फर्दर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ SBI इशू कर सकता है। नाउ थ्री रीजंस व्हाई दीज बॉन्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फर्स्ट, इट वायलेट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेकंड, इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी। एंड थर्ड, इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। नाउ आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवरटर्न कर सकता है।